मामी वो आ गए ले। वो नेक लड़का है, तुम कहे को के पीछे पड़े हो। हमारा सेठ बोलता हमको ये लड़का मांगता, हम क्या करेगा बोलो। अंदर मत जाओ। खेलना वेलना नहीं, साफ हो जाओगे। शाबाश बेटा। अब आप बहुत अच्छे, खूब खेलता है। अबे क्या खेलता है, सब किस्मत की बात है, अपना तो लक खराब। वो जो ऊपर बिल्ली बैठी है ना, वो इसकी किस्मत को चाबी देती है। ओ बिल्ली नीचे आओ ना। मैं मामी। कौन है बे? आराम से बैठ। आज इस छोकरे को लेके जाना मांगता है तो सेठ अपने को छोड़ेगा नहीं। गॉड बोलता है। अब क्या हो बेटा? अच्छा बोलो कितने की लगी? तुम ही बताओ। अच्छा 5 रुपए की। मंजूर। उस्ताद बहुत बैड लक है आपका। खामोश। लो 4 रुपए और लाओ। 4 रुपए कल ले लेना। मैं उधार का जुआ नहीं खेलता। अच्छा तो नहीं देते, क्या कर लोगे? बेईमान कहीं का। बेईमान किसे कहा भाई? क्या फाइट खेला है? खर खर मजा आ गया। हम उसको देखता साला हरदम मारा मारी करता है। अरे तुम्हें तो हमको घूर के क्या देखता है? तुम हमको नहीं जानता, हमको पेदरू बोलता है। पेदरू तुम्हारा दोस्त। अपना रास्ता देखो, मैं कहता हूँ तुम टैक्सी चलाता था ना, वो नाके वाला स्टैंड पर। हम तुमको एक बात बोलता है, तुम 5-10 रुपए के वास्ते थर्ड क्लास जगह पे काहे को आता है? इधर रोज धन जो होता है, रोज पुलिस आता है। हम तुमको ऐसी जगह लेके जाएगा, तुम्हारी तबियत खुश हो जाएगा। अबे भाग वरना मोतियों जैसे दांत पेट में उतार दूंगा। अरे तुम हमारी बात नहीं समझा, तुमको काम मांगते हैं ना, हम तुमको नौकरी दिलाएगा। कैसी नौकरी? तुम हमारे साथ आओगे, हम तुमको अपना सेठ मिलाएगा। अरे तुम डरता है, तुम समझता है हम तुमको मोटर में बिठा के भगा के लेके जाएगा? हम स्वेयर अपॉन गॉड बोलता है हम तुमको नौकरी दिलाएगा। आओ। अरे आओ नहीं। ए मिस्टर, वो छोटा सा नाटा सा आदमी पेड्रो पेड्रो जो हमें यहाँ लाया था, वो कहाँ है? वो मूछ वाला हाथ में छड़ी। आता है इसमें भूम क्यों मचाता है? भूम तू मचाता है कि आपको पेड्रो उधर बुला रहा है। उधर शेर सिंह साहब, आपको वो लड़का आ गया। ला 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 ला
शर्माए काहे घबराए काहे सुन मेरे राजा ओ राजा आज 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 शर्माए काहे घबराए काहे सुन मेरे राजा ओ राजा आज 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 शर्माए काहे देखिए उसने कहा था कि यहाँ कोई नौकरी खाली है। हाँ हाँ सब बात हो जाएगी, इत्मीनान रखिए। इत्मीनान रखिए, तशरीफ रखिए, मेरे पास रखने रखने के लिए कुछ नहीं है। ठंडी कॉफी पियो। अनाड़ी मालूम होते हैं। अच्छा अनाड़ी खिलाड़ी
तुम खूबसूरत। तुम माफ करो। शुक्रिया, तुम मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों जी? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आओ। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ये सब तुम्हें कैसे अच्छा लगता है? मैंने कब कहा कि अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता तो यहाँ आए क्यों? मैं बता दूं तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। खेलो। पैसे नहीं। पैसे हम देते। जीत में आता, हार हमारे से। हारता कौन? तो फिर खेलो। जीतने वाले खिलाड़ी अपने पैसों से खेलते हैं। मदन, मालिक सब बातें दरियाफ्त कर ली गई। लेकिन किसी आदमी का किस हद तक भरोसा किया जा सकता है, वक्त ही बताएगा। जी हाँ मालिक। एक काम पर लगा था। क्या काम करना होगा मुझे? शहर के बड़े बड़े मोटरों में जाना, रेस कोर्स में जाना, ऐसे लोगों से वाकिफ पैदा करना और उन्हें जुआ खेलने के लिए फांस कर लाना। यहाँ कोई किसी को फांस कर नहीं लाता। जुआ खेलने का शौक हर आदमी को होता है, तुम भी खेलते हो। छोड़ दो। जैसे दूसरे व्यापार है वैसे जुआ भी व्यापार है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जुआ व्यापार का दूसरा नाम है। बेईमान हो, मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरा रुपया वापस कर दो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। ये हिम्मत मैं बेईमानी का जुआ नहीं खेलता। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें धोखा और बेईमानी न हो। यह कुदरत का कानून है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को खा जाता है। ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तुम्हें अपनी बहन के इलाज के लिए काफी रुपए की जरूरत पड़ती होगी। तुम्हें इससे मतलब? यही कि हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं। तकलीफ ज्यादा है क्या? नहीं तो मुझे छिपाया न कर। मासी कहाँ है? वैद्य जी के पास गई है काढ़ा लाने। आज बहुत खांसी आई थी, कहीं काम मिला भैया? नहीं रे, काम वाम कोई नहीं मिला।
सुना है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आई है? मौसी कह रही थी कि वो लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। मंजू, हम भिकमंगे नहीं, ऐसी बातें मत सोचा कर। वैद्य से कहते हैं अब तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी, हम किसी के एहसान क्यों नहीं। भैया तुम हर रोज शाम को कहाँ जाते हो? काम की तलाश में जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ। ये थोड़ा बहुत जो नसीब होता है आसमान से गिरता है क्या? चाल में आज कोई कह रहा था कि तुम जुआ। उसकी ऐसी की तैसी मत सुना कर कोई क्या कह रहा है। मंजू तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो, तो किसी बात की फिक्र न किया कर। बुरे दिन सभी के आते हैं, उनका मुकाबला हंस कर करना चाहिए। रोने वाले से दुनिया को कोई हमदर्दी नहीं होती। भैया झूठा कहीं का, और किसी से पूछ। पूछो क्यों, पहला तो मैं यहाँ खड़ा था। राम कसम वो छापड़ मारूंगा तेरा चेहरा। भाई को झगड़ा कर, बड़ा आया छापड़ मारने वाला, अपनी सूरत तो देख। अबे तेरी सूरत तो बहुत अच्छी है। क्या चपट क्यों लगा रखी? देखो ना गले पड़ता है, शर्म नहीं आती रे? अच्छू तू यहाँ क्या कर रहा? बदहजमी हो गई है। झूठ बोल रहा। चुभे काले। मदन भैया मेरे पट्टों में मोच आई है। पट्टों में मोच आ गई? बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, भीड़ मत लगाओ, भीड़ मत लगाओ, यहाँ कोई तमाशे नहीं है। मेम साहब को तंग मत करो, अब तो दवा शामी को मिलेगी भैया। मेम साहब इन लोगों से जरा बच कर रहिएगा, बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ, कभी कभी चाकू भी चल जाता है। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा, मैं करीब ही रहता हूँ। नाके पर दाएं हाथ 6 नंबर चाल, नाम मेरा मदन है, ये मेरा बाजा है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। अरे सुनिए 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 तो, यहाँ डॉक्टर कौन है? मैं। आप? कोई एतराज है? आप तो नर्स मालूम होती हैं। क्यों? आप खूबसूरत हैं, मेरा मतलब कि नर्सें खूबसूरत होती हैं, डॉक्टर नहीं तो बस यूं ही वो ऐसे ऐसे। कुछ और भी कहना है तो फिर यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अच्छा लच्छू। अबे लच्छू, रामू शामू और तू भी आ काले, आओ जरा तुम्हें तमाशा दिखाए। आयो, आयो। ए, ए, मौली। अबे चल आओ। देखा है को, बैठो। किस किस पर कराना है अपना इलाज? अपनी मेम साहब बैठी हैं। मेम साहब आपके मरीज आ गए हैं। इसके टॉन्सिल बहुत बड़े हुए, काटने पड़ेंगे। क्या? इसके गले खराब हो गए, काटने पड़ेंगे। ले जरा सी खांसी जुकाम के लिए तू मेरी बच्चे का गला काटेगी? बहन तू मेरा मतलब नहीं समझी। समझ ली समझ ली, बड़ी आई समझाने वाली। डाइंग कहीं की चल रही, सुबेरे से चिल्ला रही थी डॉक्टर के पास जाएंगे। क्या हुआ माई जी? बेटा कहती है सुल्लो का गला काटूंगी। सुल्लो का गला काटूंगी? मेरे होते हुए कोई तेरी सुल्लो का गला नहीं काट सकता। तो फिक्र ना कर, जा शिल्लो का गला काटूंगी। मैम साहब ये कहां की डॉक्टरी है? मरीज के जिस्म का जो हिस्सा बीमार हो जाए आप उसे काट कर फेंक देती हैं? मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक हो गया, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। मैम साहब हम गरीब लोग जूता फट जाए सिलवा लेते हैं, कपड़ा फट जाए खुद सी लेते हैं, ये नहीं कि जिस चीज में जरा सा नुक्स पैदा हुआ कि घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। अच्छा भला गला है शल्लो का, क्यों कटवाएगी वो? है क्यों लच्छू? मैंने ठीक आ गया नहीं? ठीक तो है मदन भैया। हाँ शल्लो का गला काटेगी, काट के तो देख। सड़क के तो बैठ कर। क्या अजीब जमाना आ गया है। क्यों भैया जी? ये कलयुग है भैया, कलयुग। क्या लाख रुपए की बात की है कांति? यस डॉक्टर। ईश्वर के लिए इसको निकालो यहाँ से। अब भला आप ही बताइए कि ये नाजो अदा में पले हुए लोग जिनको सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी मोटर कार चाहिए गरीबों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे भाई तुम क्या जानो गरीब किस जानवर का नाम है, मगर अपनी मेम साहब बहुत अच्छी है। इतना सादा लिबास पहन रखा है, ऐसी लगन से काम कर रही है कि सुबह से खाना भी नहीं खाया। अपनी मेम साहब अगर शल्लो का गला काट भी दें तो क्या हर्जे जी है? क्या करें, कोई बात नहीं। ए, ए, क्या मोहल्ले सरखा गुस्सा आया है, ये दवा खाना है कोई? तेरी मेम साहब दिल का इलाज भी करती हैं? कभी कभी मेरा दिल बड़े जोरों से उछलने लगता है। मदन भैया क्या बात है शांति? मंजू बेहोश हो गई। खुश होगी? हाँ जल्दी चलो।
तीन महीने से बेकार है बेचारा और बहन घर में बीमार पड़ी है। क्या कहें, भाई बहन का ऐसा प्यार हम कभी देखे नहीं। फिर भी चेहरे पर कभी मलाल नहीं, हर वक्त हंसता खेलता रहता है। बड़े मजे का आदमी भाई। वाह। बेटा तुम आ गए, इसकी हालत बहुत खराब है। मासी इसके तलबे मरना। वैद्य जी को बुलाया है क्या? वो कहीं बाहर गए हुए हैं। बेटा तुम जाओ, उस डॉक्टरनी को बुला लो। अरे छोड़ो, उसे क्या समझ होगी, वो तो अनाड़ी मालूम होती है। किसी से कहिए पानी गर्म करे जल्दी। ये सब लोग यहाँ क्यों खड़े? सब अपने ही लोग हैं, इनसे कहिए चले जाएं। ये खिड़कियां बंद क्यों हैं? इन्हें खोल दीजिए। क्या देख रहे हैं? जो मैं कहती हूँ कीजिए, आप नहीं जानते इसकी हालत कितनी खराब है। मासी जरा पानी गर्म करके ले आओ। लाती हूँ, भगवान की दया है तो ये आ गई। सुनिए, जल्दी से इंजेक्शन ले आइए, अगर डिस्पेंसरी में ना मिले तो कहीं से भी। जल्दी से ये इंजेक्शन दे दो। खत्म हो गया, केमिस्ट के पास मिलेगा। 25 रुपए देते हो तो ले जाओ, इससे कम नहीं होगा। चार फ्लेवर आए। मेरे पास सिर्फ 5 रुपए। अरे फिर ओल्टी लाओ ना वो। अरे ओल्टी लाओ चंदू, बाकी पैसे मैं आपको ला देता हूँ, मुझे इंजेक्शन दे दो। जाओ भाई, ये कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है। मेरी बहन बहुत बीमार है, शायद मर रही होगी। मर रही होगी तो मैं क्या करूँ, पैसे दो और सौदा ले जाओ। मम्मी, मम्मी मुझे 20 रुपए उधार चाहिए दवाई के लिए, नहीं तो वो मर जाएगी। क्या हुआ, कौन मर जाएगी? मेरी बहन, मेरी बहन। हाय हाय, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? अबे ओ मदन, वहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो, आओ ना, एक दो हाथ हो जाए। मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। ईश्वर के लिए। डर जाओ मैदान में, तुम तो किस्मत के धनी हो, मिनटों में 20-25 बना लोगे। नहीं इस वक्त नहीं, मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें 50 लौटा दूंगा, 100 लौटा दूंगा। जी जाओ तो ले जाओ, हम उधार उधार नहीं दे सकते। तो फिर बांटो। अट्ठन्नी रुपए। दो रुपए बचा। बस
100 सुनार की और 1 लोहार की। लगाओ और लगाओ ना, ये रुमाल लगा दो ना। बांटो। शाबाश। ओ असली मालूम होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठहरो। बाटो। बीस रुपए की चाल। ओ, 20 रुपए की। अब मैं जाती हूँ, उसे कोई खतरा नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ा हूँ। मासी मैंने छोड़ने जा रहा हूँ, मंजू का ख्याल रखना। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकता। आप ना आती तो न जाने क्या हो जाता। एहसान वेहसान कोई नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। कितने लोग हैं जो अपने फर्ज को समझते हैं। मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आता रहा, मुझे अपनी बेहुदा हरकतों पर बड़ा अफसोस है। कोई बात नहीं, यकीन मानिए मैं इतना बुरा आदमी नहीं। चलिए। आपका घर तो काफी दूर है यहाँ से। दूर तो है, बस शायद इस वक्त देर हो गई। अरे उस्मान, अरे उस्मान, कहो बादल, कहाँ सो रहे? तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ जरा नीचे उतरा। नीचे क्यों? अरे यार पहुँचा दूंगा तुम्हारी गाड़ी गैराज में, और क्या कहते हो? क्या मामला है? काम है यार, जरा काम है। हमारे तुम्हारे काम ना है तो किसके काम आएंगे? आइए बैठिए। अच्छा भाई उस्मान,
देखो 12 बजे के पहले गैरेज में गाड़ी पहुंचा देना, अच्छी तो फिस्सी हो जाएगी दोस्त। ओके चलाया करता था। हाँ याद आ गया, डिस्पेंसरी में लोग कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि आजकल आपका कोई कारोबार नहीं। मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं, ये कह कि मुझे याद आ गया, आप पहले भी एक बार मेरी गाड़ी में सवार हो चुकी हैं। उस वक्त आपके साथ कोई आदमी था जो अफसर मालूम होता था, उसने आपके लिए घड़ी खरीदी थी, ठीक है ना? ठीक तो है, मेरी पिछली सालगिरह पर मुझे रमेश ने घड़ी प्रेजेंट की थी। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। टैक्सी ड्राइवर की आंखें सड़क पर होती हैं और कान पिछली सीट पर लगा रहता है। कितनी देर से सोच रहा था कि आपको कहीं देखा है, अब आपकी आवाज सुनी तो याद आया। अजीब आदमी है। दुनिया में और भी बड़े बड़े अजीब आदमी पाए जाते हैं। हाँ तो ये रमेश साहब कौन है, पूछ सकता हूँ? मेरे बचपन के दोस्त है, पुलिस इंस्पेक्टर है। दोनों बातें खतरनाक। अरे आज तो हमारे घर पार्टी है, मैं बिल्कुल भूल गई थी, पिताजी सब नाराज होंगे। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको। नहीं, हो क्या गया कि देर हो गई तो। मुझे पार्टियों से नफरत है, बल्कि मेरा जी नहीं चाहता कि अंदर जाऊं। आज मैं कितनी खुश हूं, मैंने सच्चे मानों में काम किया है, एक इंसान की जान बचाई है। क्यों मुझे खुश ना होना चाहिए? एक और बात पूछना चाहती हूँ, बताइएगा? पूछिए। मुझे महसूस होता है कि आप और आपकी बहन अच्छे दिन देख चुके हैं, क्या ये ठीक बात है? आपके घर में पार्टी है, मेरा ख्याल है आपको देर हो रही। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो कुछ आप सोचती हैं अगर वो ठीक भी है तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर मैंने ठीक ही सोचा था शायद। अच्छा सुनिए, ये आपका बैग रह गया, आप भी अंदर चलिए ना। ये नामुमकिन। यारू समाचार ठीक है, व्यापार ठीक चल रहा? भाई दास क्या हाल चाल है? तबियत तो ठीक है? व्यापार में क्या हाल चाल? आप अभी जबलपुर गए थे, क्या हाल चाल? रमेश इतने परेशान क्यों हो? रजनी आती होगी। रजनी आती ही होगी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, कबाब है? बहुत लजीज है। अच्छा वो इकट्ठी पार्टी कब होगी? भाई जब मालूम होता है किसी मरीज के कारण रुक गई, वरना अब तक कभी के आ गई होती। जिस तरह आप अच्छे कामों के लिए दिल खोलकर दान करते हैं, उसी तरह आपकी बेटी भी गरीबों की सेवा के लिए तन मन धन निछावर कर रही है। लाख रुपए की बात कही तन, हम तो ये सोचते थे कि डॉक्टरी पास करके रजनी बिटिया बलैत जाएगी, पर देखो ना वो तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर रही है। चाचा जी मैं कार लेकर रजनी को ढूंढने जाऊँ? क्यों, क्या वो गुम गई है क्या? अगले मत बनो, अभी आ जाएगी अपने आप।
चाचा जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने रजनी को ऐसे गंदे इलाके में प्रैक्टिस करने की इजाजत कैसे दे दी। वो किसी की मानती है? तुम कोशिश करो मनाने की। डॉक्टर बीबी का दिनों दिनों में तुम्हें अच्छा कर दिया। सुबह शाम दोनों वक्त बेचारी चली आती। क्यों नहीं आएगी? वो मेरे भैया की सहेली है ना, देख लेना, एक दिन मैं उसे अपनी भाभी बनाकर छोड़ूंगी। तू भी पागल, तेरा भैया भी पागल। अच्छा मैं जाती हूँ, सौदा ले आऊं। राम राम मासी। राम राम बेटी। तुम आराम नहीं करती हो ना? नहीं तो मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ। झूठ। ये सब क्या है दीदी? तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाई हैं। आप क्यों हर रोज तकलीफ किया करती हैं? भैया बहुत नाराज होते हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात? जिसको कभी मुझे बुखार नहीं है, शाम को आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा तो लगा तो लो। ये लीजिए अपने कपड़े। शुक्रिया। मैं मुंह फेर लेती हूँ, आप पहन लीजिए। आप चलिए, मैं आता हूँ।
अच्छा मदन, क्या एक बात कहूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मंजू कहां चली गई? मासी की खोली में गई होगी चाय बनाने। तो क्या उसे रसोई का काम करवाना भी शुरू कर दिया? वाह, चाय बनाना भी रसोई का काम करना होता है? जो कुछ मैं कहती हूँ उसके उलट कार्रवाई होती है यहाँ। अब तो वो अच्छी भली मालूम होती है। तुम नहीं समझे, टीबी के मरीज कभी कभी बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम होने लगते हैं। तपेदिक, टीबी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सोचती हूँ सच का छुपाना गलत ही होगी। तुम सच कह रही हो। हाँ, लेकिन फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं। अगर मंजू को किसी पहाड़ पर अच्छे सैनिटोरियम में भेज दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? उसको पहाड़ पर भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है? वो सब इंतजाम मैं कर लूंगी, बस तुम एक बार हाँ कह दो। तुम करोगी? क्यों? क्योंकि मैं आसानी से कर सकती हूँ। तुम इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास दौलत है? नहीं, क्योंकि मंजू मुझे प्यारी है और उसकी जान बचाने का यही एक रास्ता है। ये इंतजाम मुझे खुद करना होगा, ये मेरा काम है, आपका नहीं। मेरी बातों को गलत मायने में ना लो मदन, मैं यही चाहती हूं। आप अमीर हैं, मैं गरीब हूं। आप जो भी कहें माने यही निकलते हैं, लेकिन याद रखिए मैं भिखमंगा नहीं हूं, गरीब हूं लेकिन बेइज्जत नहीं हूं। मदन, चाय तो पी जाते भैया। क्या हुआ रजनी बहन? कुछ नहीं, लो मैं चाय पीती हूं। किस्मत वाला खिलाड़ी है। व्हाट लक, स्वेयर अपॉन गॉड बोलता है। यूं कहो किस्मत खिलाड़ी से तो हाथ खेल रही है। Thank you.
भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। मालिक के पास ले चलो, मुझे काम करना मंजूर है। स्टार क्लब, स्टार क्लब, 2 महीने से तुम स्टार क्लब के केस पे लगे हो, लोगों को पकड़ के ले आते हो, तलाशियां लेते हो, उनसे निकलता क्या है? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है एक और रेड होना चाहिए। एक और रेड होने से क्या होगा? पहले भी तो तुम 2 रेड्स कर चुके हो, नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए, सबूत, उसके बगैर सब फजूल है, समझे? हुजूर 5 नंबर रिपोर्ट करना चाहते हैं, उसे ले आओ। क्या है? हुजूर, कल स्टार क्लब में मदन नाम का एक नया आदमी रखा गया है। अच्छा जाओ। सुना आपने, एक नया आदमी रखा गया है, वहां तो कितने ही लोग काम करते हैं, हमें उनसे क्या मिलेगा? तुम लोग सब निकम्मे हो। हमें सिर्फ इतनी सी बात मालूम करनी है कि उस अड्डे को चलाने वाला आदमी कौन है। तुम लोग इतनी सी बात भी मालूम नहीं कर सकते? नॉनसेंस। ये आपने कैसा हुलिया बना रखा है? मैंने तुम्हारे हुक्म की 16 आने तामील की है, मंजू को सैनिटोरियम में भिजवा दिया है। सूट पसंद है? क्या ख्याल है, 250 में बुरा नहीं है? अच्छा है, मेरा भी यही ख्याल है। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थीं कि जैसे मुर्गी चावल के दाने पर। क्या जमाना आ गया है, कपड़े अच्छे हों तो इंसान की फट से इज्जत होने लगती है। मदन, ये अचानक पैसे कहां से मिल गए? मिल गए? कल दोपहर को मैं कंपनी बाग में एक बेंच पर बैठा कुछ सोच रहा था कि एक आसमान से रुपयों की बारिश होने लगी, बस मैंने झोली भर ली। मदन, उस दिन की बातों से बिगड़ कर तुमने कोई ऐसा काम कर डाला है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने आप को किसी खतरे में डाल लिया है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? समझ गया। तुम इसलिए नाराज हो रही हो कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे बराबर का दिखाई देने लग गया हूं। तुम चाहती थी कि मैं उसी तरह फटे हाल में रहूं ताकि तुम मुझ पर तरस खा सको, मेरी इमदाद कर सको और कभी कभी। आप जाइए यहां से। माफ कीजिए, आपका वक्त जाया किया। तुमने ठीक कहा था रमेश,
मुझे उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं था। मैं बड़ी बेवकूफ। और इससे बड़ी बेवकूफी ये कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अगर हर मरीज के बारे में इतनी चिंता करने लगोगी तो डॉक्टर क्या करोगी खाक? तुम नहीं समझते रमेश, ये जिंदगी में मेरी पहली हार है। और तुम्हें हार ना मंजूर नहीं, क्योंकि तुम एक लखपति बाप की इकलौती बेटी हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो घूमने चले, तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी। नहीं रमेश जी, नहीं चाहता। इतनी कमजोर ना बनो रजनी, ये लोग ऐसे ही होते हैं। वो पैसे की खातिर सब कुछ कर सकता है, मुमकिन है उसने चोरी की हो। रमेश ईश्वर के लिए ऐसी बातें ना करो। खलास, हम बोलता है तुम खलास हो गया, फिनिश खत्म। क्यों? तुम्हारा भेजा ठिकाने को होगा तो दर बैठ के क्या गुत्ता धुआं उड़ाएगा? तुम रेलवे का इंजन है मिस्टर, तुमको लव हो जाए। स्वेयर अपन गॉड बोलता है। क्या हो गया है? लव, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, भालो भाषा। शायद तुम ठीक कहते हो पेट्रू भाई, औरतें भी खूब होती हैं। हाँ, औरतों के बारे में तुम्हारी क्या राय? काहे को मस्करी करता है? मैं मस्करी नहीं करता। अरे मस्करी नहीं तो और क्या है? बड़ा बड़ा पीर, पैगंबर, ऋषि, मनी, प्रॉफिट, किसी को नहीं मालूम औरत क्या है। खुद औरत को नहीं मालूम साला औरत क्या है, फिर तुम हमसे पूछता है? ये मस्करी नहीं तो और क्या है? और एक बात बोलता है, औरत के सामने हमेशा आकर करो। लव करता है तब भी आकर करो, हमारा मतलब। पैदरू, तुम्हें शेर सिंह बुला रहा है। अला बहुत खराब वक्त पे बुलाता है। तुम कहां जाते हो? तुम्हें तो किसी ने नहीं बुलाया, हमसे दूर दूर के भागते हो। डरते हो क्या? हम तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे। तुम क्या चाहती हो? कुछ नहीं। देखो मेरा तुम लोगों से कोई लगाव नहीं, मैं यहां सिर्फ पैसे के लिए आया हूं बस। और जब मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी मैं यूं चला जाऊंगा। सब यही सोच कर आते हैं, मैं भी यही सोच कर आई थी। तो फिर पैसा बना लिया तुमने? हाँ। कितना? बहुत सा। तो फिर जाओ यहां से, जाती क्यों नहीं? यही तो मैं तुमसे कह रही थी, आना आसान है, जाना इतना आसान नहीं। ये जगह अच्छी है ना? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? कौन सा सवाल? वही जो मैंने अभी पूछा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ। कौन सा? उल्टा मुझे से पूछ रही हो? खुदा जाने आजकल तुम्हारा ख्याल कहाँ रहता है। तंग न किया करो रमेश। 20 बरस हो गए तुम्हें यही कहते कहते, तंग न किया करो रमेश, तंग न किया करो। कभी तो कुछ और भी कहा करो। 20 बरस पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। तो अब कौन सा आता है? जो बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ वो तो कभी निकलती ही नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहो तो एक बार। सोडा लेमन के लेमन सोडा? कॉफी। कॉफी। वेटर। कौन है वो लड़का? कौन है वो? कौन है? कोई है। कौन है वो? वही। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, आवारा सी मालूम होती है। क्या कर रही हो रजनी? ओहो मैम साहब, सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? हाँ बहुत जरूरी है, चलिए।
बड़ा खुश किस्मत हूँ। अच्छा नीना मैं भी आता हूँ। क्या मजाक है मेम साहब, कहाँ घसीटे लिए जा रही? बैठ जाओ। जाओ देखिए मेम साहब, आपको ना सही मुझे तो अपनी जान प्यारी। शायद इसीलिए अपने आप को तबाह करने पर तुली हुई। खूब, ये भी अच्छी कही आपने। हाँ एक आवारा और उससे खुलेआम दोस्ती लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? समझती थी तुम शरीफ आदमी। आवारा कौन? नीना? वही होगी चुड़ैल, मैं क्या जानू क्या नाम है उसका। मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने गिर सकते। लेक्चर देना बहुत आता है मैम साहब, दो दिन भूखा रहना पड़े तो चीम बोल जाए जनाब। ये दलीलें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं भूखा था इसलिए मैंने पाप किया, मैं लाचार था इसलिए मैं बुराई के गड़े में जा गिरा। इंसान का कैरेक्टर भी आखिर कोई चीज होती है। देखिए मैम साहब, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है। जानती है मैं क्या काम करता हूँ? मैं लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता हूँ, उनको अपने अड्डे पर ले जाता हूँ जहाँ वो हमेशा हार जाते हैं। समझिए आप। वाह वाह, खूब पेशा अख्तियार किया है। तुम समझते हो तुम अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ सब बहाना है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मंजू को साफ साफ कह सको तुम्हें मेहनत और ईमानदारी का काम पसंद नहीं? तुम मजे उड़ाना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। मदन मुझे माफ कर दो, तुम कुछ नहीं समझते। आज की रात पिया, आज की रात पिया, दिल न तोड़ो मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया, दिल न तोड़ो मन की बात पिया मान लो। आज की रात पिया, गगन की ओट से
आज की रात पिया दिल ना तोड़ो, मन की बात पिया मान लो, आज की रात पिया। रमेश, रजनी कहाँ है? वो आई नहीं। तुम्हारे साथ गई थी ना? जी, रेस्टोरेंट में उसका एक दोस्त मिल गया, वो उसी के साथ चली गई थी। कौन दोस्त? वही जिसकी बहन का वो इलाज कर रही है। वो आती हो? अच्छा, वो जाता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूं। कल सुबह मंजू से मिलने जा रहा हूं। चलो। कल? हाँ, कल। अच्छा। आज दिन ही कुछ ऐसा है। अच्छा। क्या मैं पूछ सकती हूँ आज दिन भर कहाँ गायब रहे? ऐसी बातें नहीं पूछा करती। अच्छा, ना बताओ। लेकिन इन मस्त आंखों से एक तो सवाल तो पूछ लूं। क्या करती? कौन आदमी? मेरी बला जाने, कोई नया शिकार होगा। बाहर डालते हो जी, इस दुश्मन से मिलके आए हो। नीने, तुम्हारा डांस का टाइम हो गया है। अच्छा, सामान उठा लाए। मैंने कहा भी था मंजू को सैनिटोरी में सब कुछ मिल जाता है। और मैंने स्टेशन पर कहा भी था कि कुली ले लो। नहीं, मैं खुद उठा लूंगा। तुम तो जानती हो मैं ऐसी तकलीफ के खिलाफ। फिर तुमने बहस शुरू कर दी। अच्छा बाबा, ना सही। लो उठा लो। ये हाथ तो खाली रह गया। मैं तुम्हारे सैनिटोरियम के इंतजाम से बहुत खुश हूँ। आप ही की मेहरबानी है जी, ये है वो लड़की। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मंजू। रजनी तुम्हें देखने आती है ना? जी हाँ, पर वो कई दिनों से नहीं आई है। भैया
भैया कह रहे थे कि एक दिन उन्हें जरूर लाऊंगा। अरे भैया, पिताजी ये यहाँ कैसे चले आए? ये तुम्हारे पिताजी? आप यहाँ कैसे चले आए पिताजी? यूं ही बेटा, मुझे सैनिटोरियम में कुछ काम था। ये मंजू के भाई है। अच्छा, आप सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैंने सर और भी ऑपरेशन रूम तो देखा ही नहीं। रजनी, तुम ट्रेन से आई हो ना? जी। लौट के मेरे साथ चलना। और तुम भी। क्या हाल चाल है? अच्छी। आप इतने दिन क्यों नहीं आए? इन्हीं से पूछो क्यों नहीं लाए। बैठ जाओ भैया, अब तो तुम्हारा आपस में झगड़ा नहीं होता। नहीं, अब फुसला हो गई। देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ लाया, फ्रूट है, बिस्किट है। देखो 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 देखो। आप मुलाजमत करते हैं या कोई अपना काम धंधा है? बरसात के मौसम में इलाका कितना खूबसूरत मालूम होता है पिताजी। हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत मालूम होता है। मदन साहब, आप उसी इलाके में रहते हैं ना जहाँ रजनी काम करती है? कि मैं पिताजी, आप मेरे साथ जगह बदल लीजिए ना, मैंने उधर का नजारा देखा। आपने मुझे पहचाना मदन साहब? जी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं? आप इधर का दूसरा आदमी होता तो शर्म के मारे जमीन में डर गया होता। मैं काफी ठीठ वाकया हुआ। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता तो अपनी हैसियत देखो और इनसे मिलना छोड़ दो। क्या कहा पिताजी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दूं। तुम्हारे सामने यही कहते हैं, झिझक महसूस होती है। ड्राइवर गाड़ी रोको। क्या हुआ पिताजी? चुप रहो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। मदन साहब, जरा गाड़ी से बाहर तो चले जाइए। कह रहा था बखुशी दिल ये क्या चीज है, और दिल की तमन्ना क्या है। तीर पर तीर चला ले तुझे परवाह क्या है। अरे तेरी कसम मेरी जान, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। डंडर 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 डा डंडर 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 डा। डर डंडर 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 डा। डंडर 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 डा। और होंगे जिन्हें आराम के सामान मिले,
अपनी कश्ती को तो साहिल पे भी तूफान मिले। अरे तेरी कसम मेरी जान। नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। डंडर 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 डा डर डर डंडर 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 डंडर। लाओ यार कुछ ठंडा वंडा है कि नहीं। हाँ हाँ लाओ। भट्टी में से उठ के आ रहे हो क्या? नहीं बाहर झूम कर आया हूँ। ये तो नजर ही आ रहा है। उफ, आज हमने कान पकड़े हैं। तौबा फरमाई है। किस बात की? ये मत पूछो। अपनी डॉक्टर से मिल के आए हो? नहीं उसके बाप से। बूढ़े ने हमारे सर पर वो जूते मारे हैं कि खोपड़ी टाट कर दी। खैर जान बची और लाखों पाए और घर के बुद्धू घर को आए, लेकिन बड़ी देर से। पूरे 12 मील पैदल चल के आ रहा हूँ। जरा देखो मेरी टांग के मसल कितने कर गए। उफ, इतने जोर से नहीं। मदन तुम मालिक याद फरमा रहे हैं। अच्छा मगर आज इतनी जल्दी क्यों? शायद कोई खास बात हो। आज खास बातों का ही दिन है। मीना मैं भी आता हूं। आओ मदन, तुम्हारी बहन का क्या हाल है? अच्छा। आज से कुछ महीने पहले तुम क्या थे और आज क्या हो, इस पर कभी गौर किया है तुमने? जी। आज एक और खुशी की खबर सुनाते हैं। हमने तुम्हें 1,000 रुपए बोनस देने का फैसला किया है। बस? बस क्या? मैंने कहा कम से कम 10,000 तो होना चाहिए। तुम्हारी यही मत। जो आदमी टैक्सी ड्राइवर रह चुका हो उसकी आंखें सड़क पर और कान पिछली सीट पर लगे रहते हैं। वो आवाज से आदमी को पहचान लेता है, उसे कभी धोखा नहीं होता। इस तौल विस्तौल का नाटक छोड़िए। जिन लोगों की जिंदगी ही मौत के बराबर हो चुकी हो वो गोली से क्या डरेंगे? आप व्यापारी आदमी हैं, व्यापार की बात कीजिए। कहिए सौदा मंजूर है? तो फिर सामने आइए, इस हाथ ले और उस हाथ दे वाला मामला हो जाए। नूरानी चेहरा है। शहर के मशहूर रईस, जिनका नाम सुनकर हजारों के सर इज्जत से झुक जाते हैं, जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शराफत के पुतले, इखलाक की मुजस्सम तस्वीर। गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुम्हारी जुबान बंद रहेगी? फिलहाल तुम रजनी से नहीं मिलोगे? फिलहाल। तुम चालाक आदमी हो और मुझे चालाक आदमी पसंद है। आप गुरु हैं, मैं चेला। लेकिन याद रखो, बिल्ली 99 दांव सिखा देती है,
एक अपने पास रखती है। आपको कभी वो दाव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ क्यों? इसलिए कि चाहे तुम कितने ही जलील हो, तुम्हारा मुझ पर एहसान है, तुम्हारा भी और रजनी का भी। मेरे हाथों से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये 10,000 रुपए अपनी तरफ से किसी बड़े काम के लिए दान कर देना, ताकि तुम्हारी शोहरत पर चार चांद लग जाए। अफसोस है, मेरे बेटे का आवारा की तरफदारी कर रही है। वो आवारा नहीं है पिताजी, मैंने खुद उसकी हरकतें देखी है। उसने अपनी कोई बात मुझसे छुपा कर नहीं रखी। मैं जानती हूँ बुरी रात पर पड़ गया है, लेकिन जरूरत से मजबूर होकर एक मदनी नहीं, लाखों इंसान बुराई के गड़े में गिर जाते हैं। उन्हें बचाया जा सकता है दर्दी और नरमी से, सख्ती से नहीं। बहस मत करो रजनी, उस लड़के से मिलना बंद करो, वरना तुम्हें अपनी डिस्पेंसरी बंद करनी पड़ेगी। रजनी, क्या हुआ रजनी? तुम्हें मदन के खिलाफ पिताजी के कान भरने का क्या हक था? मैंने उनके कान भरे हैं और क्या, वरना उन्हें कैसे पता चल सकता था? उन्होंने सैनिटोरियम तक हमारा पीछा किया और फिर मेरे सामने बेचारे को जलील भी किया। मैंने तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहा रजनी, उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि कल रात रजनी को घर छोड़ने कौन आया था, तो मैंने कह दिया कि रजनी किसी का इलाज कर रही है, वो उसका भाई है। रजनी, बहरहाल मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी किया सही किया। रमेश, मैं मदन से प्रेम करती हूँ, ना तुम ना पिताजी ना दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे जुदा कर सकती। तुम समझते हो तुम पिताजी से आशीर्वाद लेकर मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन मैं साफ कह दूं कि मुझे ना तुमसे प्रेम है, ना कभी था, ना कभी हो सकता है। रजनी, मैं इन लफ्जों का हकदार नहीं था। Come in. मदन, ठीक है? अरे वाह, तुम लोग इधर बैठे ले, हम तुमको ढूंढ ढूंढ के हैरान हैरान हो गए ले। हेलो पेड्रो। हेलो मदन। हेलो पेड्रो। हेलो मदन। देखो बहुत जरूरी काम से आया है। ये फोटो देखो, क्या है? ये राजकुमार है, ये अपने शहर में आ गया है और कल रेस कोर्स जाएगा। मेंबर एनक्लोजर में तुम दोनों जाकर उसको मिलो, समझा? मिलेगा और घेरेगा। देखो मदन, बच के रहना, नागन है नागन, सरपेंट काटेगा तो पानी नहीं मांगेगा, जरा हमको काटो। यही है वो। I'm so sorry. Oh, sorry, sorry. Oh, hello. आपने मुझे पहचाना सर? नहीं तो? वो नवाब सर जंग बहादुर की एडीसी के दोस्त इब्राहिम खान का दोस्त सरकार। तुम्हारा नाम? साक्षात को अली बाबा कहते हैं सरकार। अली बाबा? ओ अली बाबा। तो आप हैं मिस नीना, स्टार क्लब की मशहूर डाम। हेलो हजूर, आपका पर्स। सिगरेट? थैंक यू हजूर, मेरे लायक कोई खिदमत? अली बाबा, हम अपनी रियासत को फूंक फांक कर चले आए, अब जब से यहाँ आए हैं कोई मजा नहीं मिलता। तो सरकार, आप तशरीफ ले आइए। कहाँ हजूर, आपकी खिदमत के लिए। ओ, स्टार होटल, ठीक है, मां बदौलत एक घंटे के बाद हाजिर होते हैं। आप ताबेदार हो? चलिए। मदन, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं।
फरमाइए। यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। तो मैं कब हाजिर हो जाऊँ? आधे घंटे के बाद। बहुत शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तशरीफ रखिए। चलिए सर। भाई गजब का नाचती है, क्या बात है। हाँ, वो हमारा दोस्त अली बाबा कहाँ है? अली बाबा? हाँ हाँ, अली बाबा, आई मीन मिस्टर मदन मदन। वो आ जाएगा, आप चलिए। आ जाएगा। चलिए चलिए। मे आई कम इन? बैठ बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जानते हो रास्ता कहां जाके खत्म होता है? यहीं, इसी जगह। वाह वाह,
क्या कहने इस हाजिर जवाबी के? आपको और कुछ पूछना है? हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहां अच्छों अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो। आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूं। थैंक यू। देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुपुर्द बदला लेना चाहता हूं। दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए। कौन ले रहा है बदले तुमसे? कोई नहीं। सुनो, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा। मुझसे कहे कितनी हमदर्दी? समझा, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है। लेकिन मैं मजबूर हूं, और कुछ करना चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हर आदमी की अपनी अपनी किस्मत होती है। वो हमारा दोस्त कहाँ है जी? वो अली बाबा है, अली बाबा, जिसने हमारे लिए खजाने के दरवाजे खोल दिया। छू छू मंतर, हम उसको अपनी रियासत का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। अपनी तो रियासत ही चली गई। क्या हस्ती है वो खूबसूरत छोकरी। अच्छा, फिर लगेगी जी, फिर लगेगी। मदन, कहाँ थे तुम? क्यों? मालिक हर पांच मिनट के बाद टेलीफोन कर रहे हैं। वो कमबख्त रजवाड़ा हमारी खाल उधेड़ रहा है। उसे खेलना आता है, मैं जानता हूँ। चलो देखो, मिनटों में उसका तख्ता उलटता है। मगर तुम थे कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्या बातें हुई? बस ऐसे कुछ प्रेम की बातें हुई कुछ। मदन, मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दो, वरना अली बाबा, वाह 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 वाह, देखो हमने इन सब को नंगा कर दिया। तो फिर एक बाजी हमारे साथ भी हो जाए। अली बाबा शायद आओ, लेकिन इसका कोई मजा नहीं। हजूर, अब तो रेस हो जाए। रेस कैसी रेस? यहाँ यहाँ घोड़े दौड़ेंगे अली बाबा? इसी मेज पर। कहाँ है घोड़े अली बाबा? मेरी जेब में। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है अली बाबा? बिल्कुल। अच्छा तो दिखाओ। अच्छा तो ये देखिए, आप तो जानते ही हैं कि घोड़ा चार पांव से भागता है। यस। एक दो तीन चार। चार। और हर एक घोड़े का नंबर होता है। घोड़ा नंबर एक, घोड़ा नंबर दो, घोड़ा नंबर तीन और घोड़ा नंबर चार। चार। आप अपना घोड़ा चुन लीजिए। ओहो, आपने तो घोड़े की टांग ही तोड़ दी राजकुमार साहब। इशारे से बात कीजिए, हाथ हाथ लगाइए। ये वाला काला वाला। हाँ। काला वाला 200 200। हाँ। काला वाला 200 काला वाला।
तू तो आस्तीन का सांप निकला अली बाबा। कसम से मजा आ गया, फिर किसी दिन और लगेगी। चले आओ। के मुस्ताद अकेला मंगाऊ एक स्पेशल चाय और मस्का स्लाइस। हाँ बहुत सारू खूब खेला, मालिक तेरे को बोनस देगा। क्यों नहीं, जेल की हवा भी तो एक रोज हम ही खाएंगे, वो तो नहीं खाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम, झगड़ा हो गया।
मुझे परेशान क्यों कर रहे हो मदर? सपना टूट चुका है, अब आंखें खोल देना ही अच्छा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारा प्रेम सपना नहीं है, इसकी खातिर मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। प्रेम दुनिया से अलग नहीं है, जब जिंदगी में कड़वाहट खुल गई हो तो प्रेम मीठा कैसे लग सकता है? ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ, मुझे शुरू ही में पिताजी को सब कुछ कह देना चाहिए था। तुम उन्हें नहीं जानते मदन, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। इसमें क्या शक है? तुम मुझसे नाराज हो मदन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे नाराज नहीं पर ना किसी और से। ये काम जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं, इसे छोड़ दो मदन, मेरी खातिर। मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं रहा, ना तुम पर, ना तुम्हारे प्रेम पर, ना अपने ऊपर, ना अच्छाई पर, ना बुराई पर। तुम्हें क्या हो गया मदन? तुम नहीं सोच रहे, ये सवाल मुझसे ना पूछो। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं, अब लौटना बहुत मुश्किल है। मदन ने तुम्हें देखा तो नहीं? जी नहीं। क्या वो भी उसके साथ गई थी? जी नहीं, वो सैनिटोरियम में पहले से मौजूद थी। अच्छा जाओ। सुना आपने? वादा किया था कि वो रजनी से नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा था वो आदमी खतरनाक है, और मुझे यकीन है कि पुलिस ने रिपोर्ट भी उसी ने की थी, और अब डर है कहीं। अब ये जरूरी हो गया है कि उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। मैंने सब इंतजाम कर रखा है, सिर्फ आपकी हाँ की सुनो। सब काम होशियारी से करना। ऐसे गुमसुम क्यों रहे? जैसे काम के सिवा कोई काम ही नहीं। हाँ, काम के सिवा कोई काम नहीं। वो नए मुर्गे जो शहीद होने आए थे कहाँ है? ऊपर रेस्टोरेंट। तो तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें देख रही। मत देखा इना। तुम ऊपर चलो मदन, मैं भी आ रही तुम मदन को ग्रैंड होटल ले जाओगी? नहीं नहीं, ये काम उसे नहीं होगा। नीना, जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? जानती हूँ। जानते हुए भी इनकार कर रही हो? शेर सिंह, छोड़ दो मुझे, शेर सिंह, अगर तुमने जरा भी चालाक बनने की कोशिश की तुम भी मदन के साथ शिकार हो जाओगी। Thank you.
मैडम नीना, तुम्हारे डांस का टाइम हो गया है।
चलो मदन चले। कहाँ? ग्रैंड होटल में। ग्रैंड होटल? हाँ हाँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। चलो। मदन। क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले लाइट तो जला लो। नहीं नहीं, लाइट मत जलाओ। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं मालूम होते। तुम क्या जानो मेरे इरादों को, तुम तो हमेशा अपने आप में खोए हुए रहते हो। ये कुदरत का कानून है, हम सबको अपने आप में खोए हुए रहना चाहिए। जानते हो लफ्ज किसके? हमारे मालिक के, जिसका दिया हुआ कपड़ा हम पहनते हैं। मदन। जिसका दिया हुआ अनाज हम खाते हैं। हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। यही ना कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। मालिक ने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम प्रेम भी कर सको। देखा जाए तो मालिक के पास आने से पहले तुम क्या थी? कूड़े के ढेर में पड़ी हुई एक बेकार चीज। अब देखो अपनी तरफ, हसीन, दिलकश, दिलफरेब। तुम नहीं जानते मदन, मुझे अपने आप से कितनी नफरत होने लगी है। चलो कहीं भाग चले, इस गंदे ठग की जिंदगी को छोड़ छाड़ के कहीं दूर, जहां हम इंसानों की तरह रह सके। क्या बहकी हुई बातें कर रही हो? भाग चले, तुम्हें होता क्या है? समझाने का वक्त नहीं मदन, तुम नहीं जानते वो लोग तुम्हारा खून करने आ रहे हैं। अच्छा, मैं अब समझा, मुझे यहां लाने का असल मकसद यही था और तू भी उनके इशारों पर नाच रही है। नहीं नहीं, हट जा मेरे रास्ते। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अगर जान हमने साथ लेकर चलो, नहीं तो बोलो मैं मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहती मदन। हट जाओ मेरे रास्ते से। गलती हो गई, निशाना चूक गया। नहीं नहीं, गोली नीना को जा लगी। तुम क्लब में जाके इंतजाम करो, फौरन जाओ।
बेवकूफ। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब अपना बयान दे दो। फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? मैं रजनी से मिलना चाहता हूं। अब उससे मिलकर क्या करोगे? और शायद वह खूनी से मिलना पसंद भी ना करे। कौन कहता है मैं खूनी हूं? तो फिर अपना बयान क्यों नहीं देते? मुझे एक बार रजनी से मिलने दीजिए, उसके बाद मैं सब वाकयात बता दूंगा। यह बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। यह तुम्हारा वायदा है? अच्छा, ले जाओ। फिलहाल क्लब बंद ही रखें तो अच्छा है। क्लब बंद नहीं होगा, लेकिन उस छोकरे की जबान बंद रहनी चाहिए। वो कैसे मालिक? उसे फौरन खबर कर दो, अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसकी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। कमाल का ख्याल है मालिक। देखो, इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग। एक और आदमी के पैरों के निशान मिले हैं। क्या? एक और आदमी के पैरों के निशान मिले हैं। पैरों के निशान मिले हैं? अच्छा, जरा फोटोग्राफर भेजिए। अभी भिजवाता हूँ। क्या हुआ पिताजी? अब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं पिताजी। रजनी, बाप बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अगर उसकी बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ जाकर प्यार करे उसके खानदान का कुछ पता ना हो, तो जुआ खेल कर अपना गुजर करता हो, ये बातें भी बर्दाश्त की जा सकती हैं। लेकिन वो लड़का सिर्फ आवारा ही नहीं, बच्चला ही नहीं, बल्कि खूनी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अभी रमेश ने टेलीफोन किया था, मदन खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश झूठ बोल रहा है। रमेश पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। कैसे यकीन कर? इसमें जरूर कोई राज है। ये असलियत है। मैं मदन से जाकर पूछूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर उसको खूनी से मिलो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम मेरी मर्जी खिलाफ नहीं जा सकती। मैं मजबूर हूँ। अगर तुमने इस दरवाजे पर कदम रखा तो ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं चलने को तैयार है, सर तुम नया आया मालूम पड़ता है। सर हम सभी पहचानता है, हवलदार खाना इधर होटल से आता है, इधर ही तैयार करते हो। चलो अंदर पता चल जाए। आपको बात नहीं, चलो जल्दी तैयार करो, तरह भी नवा जीतता है। आज के आदमी लोग बिल्कुल नहीं चाहते। चल चल अंदर जा। आपको ओ, कोई भी नहीं आज तो, खाली पड़ी। भाई कौन है? ओ मदन, क्यों भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं? इधर बीड़ी पियोगे? बीड़ी फरमाइश है अपने पास तो। माचिस? अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। रमेश, ये सब कैसे हुआ? क्या मदन ने वाकई खून किया है? देखो, अभी तो तहकीकात हो रही है। नहीं रमेश, मुझे यकीन है वो बेकसूर है। रजनी, इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है, सब सबूत उसके खिलाफ है। मगर तुम्हें इसकी खबर कैसे मिली? तुम्हारा टेलीफोन मिलते ही। मेरा टेलीफोन? अब वक्त जाया मत करो, मुझे मदन के पास ले चलो। चलो मदन,
ये सब कैसे हुआ, मुझे सब कुछ बता दो। मुझे विश्वास है तुम निर्दोष हो। मुझे अफसोस है रश्मि, खून मैंने नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे आदमी नहीं। मैं पिताजी से कहूंगी, वो तुम्हें जरूर बचा लेंगे। वो बहुत अच्छे आदमी है मदर। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन खूनी को कौन बचा सकता है? खूनी? ये हाथ खूनी के हाथ नहीं हो सकते। नहीं रश्मि, इन्हीं हाथों से तुम्हें धोखा हुआ है। तुम जाओ रश्मि, तुम जाओ। रश्मि, तुम्हें मंजू से बहुत प्यार है ना? अब किस्मत ने उसे तुम्हारे सपूत कर दिया है, उसका ख्याल रखना। क्या कहा मदन ने? रजनी, आखिर बात क्या है, तुम्हें हुआ क्या है? कांस्टेबल, मदन को ले आओ। मदन, बैठ जाओ। बयान देने के लिए तैयार हो? हाँ। तुम नीना को कब से जानते थे? कुछ 3 महीने से। तुम्हारे उसके साथ क्या रिलेशंस थे? वो मेरे साथ स्टार क्लब में काम करती थी। तुम पहले भी कभी उसके घर गए थे? हाँ गया था। तुम्हें उससे मोहब्बत थी? बिल्कुल नहीं। फिर तुम उसके घर क्यों जाया करते थे? इस काम में तुम्हारा दूसरा कौन साथी था? कोई नहीं। झूठ बोलते हो। हमें वहां एक दूसरे आदमी के पैरों के निशान मिले हैं, वो कौन था? मैं कहता हूं मैं बिल्कुल अकेला था। जब तुमने नीना पर गोली चलाई, नीना कहां थी, तुम कहां खड़े थे? मैं दरवाजे के साथ था और नीना मेरे सामने थी। झूठ, गोली नीना के पीठ पर लगी है और तुम कहते हो तुम सामने खड़े थे? मैं कहता हूं मैंने खून किया है, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। अभी तो तुमने कहा था कि खून तुमने नहीं किया। मुझे जो कहना था कह दिया। अच्छा, इस पिस्तौल को पहचानते हो? हाँ, ये मेरा पिस्तौल है। तुमने इसी से खून किया था? हाँ। झूठ, ये तो मेरा पिस्तौल है। अच्छा जाओ। क्यों क्यों पिताजी, आप क्यों इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं? मैं जानती हूँ वो बेकसूर है। आप चाहें तो उसे फांसी से बचा सकते हैं। उसने खून नहीं किया। किया है? नहीं किया। जब अदालत में सबूत आएंगे तब पता चलेगा। सबूत सब झूठे होंगे। इस झूठ का पोल खोलने के लिए आप उसका मुकदमा लड़िए। मैं उसका मुकदमा लड़ूं? मैं आपके पांव पड़ती हूँ पिताजी। बस नाटक बंद करो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से साफ जाहिर है कि मुल्जिम मदन ही ने नीना का खून किया, और इन तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि मुल्जिम मदन दफा 302 ताजीरात हिंद के मुताबिक सजा का पूरा मुस्तहक है। मुल्जिम मदन, तुमने सरकारी वकील का बयान सुना? जी हाँ। क्या तुम अपने डिफेंस के लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहते हो? जी नहीं। तो तुम मानते हो कि तुमने नीना का कत्ल किया है? जी हाँ।
फाइव नंबर 12। सुपरिंटेंडेंट साहब, मैं नीना मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। ये उसी केस की फाइल है? जी। मुजरिम के बयानों से साफ जाहिर है कि खून किसी और ने किया है, मगर वो कुछ छुपा रहा है। तुम ये कैसे कह सकते हो जबकि वो अपने आप को कातिल मान चुका है, और तुम्हारे पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि उसने अदालत में गलत बयान दिया है। उसी को साबित करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अदालत की कार्रवाई में कोई दखल नहीं दे सकता। मगर एक इंसान की जिंदगी का सवाल है जो मेरे ख्याल में बेगुनाह है। आई डोंट थिंक सो। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सब सबूत देखते हुए जूरी ने अपना फैसला बता दिया है। अदालत जूरी के फैसले पर तुमको दफा 302 ताजीरात हीन के मुताबिक फांसी की सजा देती है। भैया, ये तुमने क्या कर दिया? भैया रो मत मंजू, मेरी आत्मा से दुख पहुंचेगा। अपना सर हमेशा ऊंचे रख के चलना। मौसी को, शर्लो को और चाल के सब लोगों को मेरा प्रणाम कहना। वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं। रजनी, मैंने सैनिटोरियम वालों को 6 माह की फीस दे रखी है। मंजू को वापस वहां भिजवा देना और तुम भी घर वापस चले जाना, लेकिन डिस्पेंसरी को बंद ना करना, वो हमारे प्रेम की निशानी रहेगी। कौन कहता है मैं खूनी हूँ? तो फिर अपना बयान क्यों नहीं देते? मुझे एक बार रजनी से मिलने दीजिए। तुम्हारा टेलीफोन मिलते ही मेरा टेलीफोन, उसने खून नहीं किया। किया है? मैं कहता हूँ मैंने खून किया है। मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। मुझे यकीन है तुम निर्दोष हो। और मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। मगर मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम असलियत को छुपा रहे हो। आखिर क्यों? तुम उसे इसलिए बचाना चाहते हो क्योंकि वो रजनी का बाप? वो आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं है। मदद कत्ल मैंने ही किया है। बिल्कुल गलत है। जब तुम हवालात में थे, तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें डराया गया है, या तुम रजनी की वजह से चुप हो, मगर तुम मुजरिम नहीं हो। हम सब मुजरिम हैं रमेश। मैंने अपनी बहन की खातिर जुर्म किए, किसी और ने अपनी लड़की की खातिर किया होगा। तो ठीक है। रात के 12 बजे हैं, सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी होगी। कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। एक कप चाय स्पेशल। ये सब मेरी वजह से हुआ।
चाचा जी, चाचा जी। रमेश आप अभी तक सो रहे हैं? ये कुछ सोने का वक्त है? मैं आपको मुबारकबाद देने आया। मुबारकबाद किस बात की? जरा वक्त तो देखिए, ठीक 6 बज रहे हैं, बल्कि 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। आपके रास्ते का और मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया। कांटा साफ हो गया? तुम्हारा मतलब? आप समझते हैं मुझसे कोई रास्ता छिपा रह गया? मालिक, मैं आपकी काबिलियत की दाद देता हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने समझा। जाने दीजिए चाचा जी, अब क्यों बनते हैं? कत्ल आपने किया था, फांसी लग गई मदन को, चलो छुट्टी हुई। अगर मैं आज तक खामोश रहा हूं तो आप किसे बताने वाला हूं? आपने रजनी को बचा लिया, आपने अपने खानदान की इज्जत बचा ली, आपने मेरी जान भी बचा ली। मैं रजनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। मैं आपका मशकूर हूं। बेटा रमेश, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मेरा साथ दिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बेवकूफ लड़का बेकार मुझसे टक्कर ले रहा था। चाचा जी, अगर वो अदालत में बक देता तो? उस कमबख्त को मालूम ही क्या था कि गोली किसने चलाई। और अगर वो बक भी देता तो श्यामत शेर सिंह की आती। रमेश, मैं कानून से खेलता हूं, ये माना कि मैं बुरा हूं, लेकिन दुनिया मेरी इज्जत है, शोहरत है। मैं शायद उसको माफ कर देता, लेकिन वो रजनी के लायक हरगिज नहीं था। अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपको गिरफ्तार कर, ये रहा वारंट। क्या बदतमीजी है ये? हर एक चालाक आदमी से एक नई गलती हो ही जाती है। मैंने घड़ी 1 घंटा आगे कर दी थी। मदन अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगा। आपकी पिस्तौल खाली है, भागना बेकार है। असली खूनी के पकड़े जाने पर तुम्हें खून के इल्जाम से बरी किया जाता है, लेकिन जुआ और पैसों के मुजरमाना लेन देन में इस ग्रोह का साथी होने की वजह से तुम्हें जेर दफा 409 ताज़ीराते हिंद 3 माह कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है।